শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন ভারতীয় রেলের মালগুদাম শ্রমিক সংঘ। রবিবার কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সংগঠনের পঞ্জিকরণ উদ্ঘাটন হলো। আসানসোলের এক বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা মনোরঞ্জন কুমার, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি কাশীনাথ গায়েন, রাজ্য কমিটির সচিব শানু কর্মকার সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। क्या मांग पूरा हुआ है और किस आगे फिर कैसे लेके जाइएगा ये सब? सबसे पहले मैं आप देश के चौथा स्तंभ हैं और समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाला रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की आवाज़ को जो आज आपके माध्यम से भारत के कोने कोने में जो आपने पहुंचाने का काम किए, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूं। रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो जब से रेलवे का भारत में शुभारम्भ हुआ ब्रिटिश शासनकाल से, उस समय से लेकर के आज तक रेलवे की सबसे बड़ी जो आमदनी होती है वो माल भाड़े से होती है और माल गोदाम में दिन रात चाहे वो चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, सुबह रात दिन हर समय अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार वो काम करके अधिकार जो मिले उन सभी मांगों पर उन्होंने सहमति प्रदान की और उन्होंने माना कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के साथ वाकई में बहुत शोषण हो रहा है और इन रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को शोषण मुक्त होना चाहिए। उसमें रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो प्रतिनिधि उपस्थित थे उन्होंने कहा कि अगली बैठक इसके लिए हम लोग निर्धारित करेंगे और जो रेलवे की तरफ से कंपोनेंट अथॉरिटी जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं माननीय रेल मंत्री महोदय, उनके साथ आपकी बैठक होकर करके इन मजदूरों के लिए जो जो डिमांड रेलवे को देना है उसको हम लोग देने का काम करें। जब देश में 44 श्रम कानून का जो जटिल कानून था उसको बदल कर 4 लेबर कोड में तब्दील किया गया, उसमें हमारी संगठन ने लग करके भारत सरकार से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को पहचान दिलाने का काम किया। आज श्रम मंत्रालय के द्वारा जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पूरे देश के मजदूरों का हो रहा है उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का स्पेशल कोड जनरेट कर करके इनका भी पूरा डाटाबेस कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है कि ताकि इन पता चले कि पूरे हिंदुस्तान में किस किस माल गोदाम में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं जिससे इनको वो सभी हक अधिकार दिलाया जा सके। आप याद कीजिए कोरोना का जो महामारी का जो समय आया पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने आपूर्ति श्रृंखला बरकरार रखे, कोई भी गरीब भुखमरी से न मरे, उस समय जब सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेलवे की सवारी गाड़ी तमाम चीज़ें ठप हो गया, बंद हो गया था, उस समय यही माल गोदाम के श्रमिक ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे देश में लगातार खाद्यान्न की लोड अनलोड करके देश के कोने कोने तक पहुँचा के सभी नागरिकों को भुखमरी से बचाने का काम किया, उन तक अनाज पहुँचाने का काम किया। जो समाज में, इस रेलवे में, इस देश में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों उनके लिए हम आज आपके माध्यम से मांग करते हैं सरकार के साथ कि आज आपने जो पहचान दिया है इनको वाजिब दाम, इसको वेतन मान भी सुनिश्चित करने का काम करें। अभी हमारी पिछली मिलती है लोग तनख्वाह कितना मिलती है? तनख्वाह नहीं मिलता है, हर जगह माल गोदाम पर जो माल ठेकेदार होते हैं वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते इस महंगाई के समय में 50 किलो की सीमेंट की बोरी हो, खाद की बोरी हो, कोयला की लोडिंग हो, इतना कड़ा मेहनत करने के बाद भी इसको 50 किलो वजन उठाने के लिए मात्र कहीं 1.5 रुपया, कहीं 2 रुपया, इतनी कम मिलती है। अभी माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड के बीके त्रिपाठी जी के साथ हमारी बैठक हुई, उस बैठक में पहले भी हमारी बैठक हुई थी, मैंने बताया था कि रेलवे माल गोदाम में न मजदूरों के लिए कोई मेडिकल की सुविधा है, न इसके लिए रेस्टिंग रूम की सुविधा है, यहाँ तक कि जो मूलभूत सुविधाएं, जो शौचालय, विश्रामालय, तमाम चीज़ें जो श्रमिकों के लिए अवेलेबल होना चाहिए वो किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं ये सारी सुविधाएं जब मैं महाप्रबंधक महोदय से मिलता हूँ तो उनका कहना होता है कि हमारे पास कोई फंड ही नहीं है इसको बनाने के लिए। मैं पिछली बार बीके त्रिपाठी जी से इन सभी बातों से अवगत कराया था। पुनः हमारी बैठक जब हुई मैंने 6 जोन के जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है
6 जोन के सभी माल गोदाम का पूरा विवरण पत्र मैंने उनके समक्ष रखा है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं इसके लिए स्पेशल फंड जनरेट करके ऑल इंडिया के सभी जीएम को प्रोवाइड कराऊंगा और माल गोदाम के श्रमिकों को वो सारी सुविधाएं मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। मैं धन्यवाद थे आप लोग का कितना हमारा डिमांड 13 था। हमारी सबसे मुख्य डिमांड ये है कि जिस तरह से आपने कूली के लिए रेट फिक्सेशन किया है कि वो हर स्टेशन पर उसका रेट चार्ट बना हुआ है कि 40 किलो वजन अगर कूली उठाता है तो ए कैटेगरी के स्टेशन पर 120 रुपया, बी कैटेगरी के स्टेशन पर 80 रुपया और सी कैटेगरी के स्टेशन पर 60 रुपया मिलेगा 40 किलो वजन उठाने का। हमारा कूली भाई है उससे किसी प्रकार का मुझे द्वेष नहीं है, लेकिन जो यात्रियों की सेवा के लिए जिससे रेलवे की किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती है उनके लिए मेडिकल की सुविधा तमाम सुविधाएँ उसको प्राप्त होता है। हमारा जो रेलवे माल गोदाम का श्रमिक है जो दिन रात रेलवे का सबसे बड़े आमदनी जो 1 रुपया में 70 पैसे की आमदनी होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका है। एक्चुअली हमारा सबाई जानी रेलर मध्य दो भाग आज है, एक पैसेंजर ट्रेन एक मालगाड़ी। तो मालगाड़ी जो लोडिंग अनलोडिंग जो वर्करा काज करे तादे दीर्घदिन अनेक दाबी आछे, कारण आपनारा जानें जे रेल जे 100 टाका मुनाफा जदि अर्जन करे आजकेर दिने 67% प्रॉफिट जो आज से गुडसेट थेके आसे। बाट आज गुडसेटेर वर्कारदेर ना आछे परिचय पत्र ना आज तेज़ रेलर पास थे शुरू कर जो सुविधा रेलर बाकी कर्मचारी पे थे मेडिकल तो से ही समस्त सूझ सुविधा थे रेलर गुडसेट वर्कार वंचित मेडिकल तो तर समस्त किस मेडिकल के शुरू कर रेलवे पास को पाए ना। तो जैक तर समस्त सूझ सुविधा पाइए देवर जो अरुण कुमार पासवानजी भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ यूनियन नामे 1998 के संगठन रेजिस्ट्रेशन करिए जो लड़ाई सरकार करते जानी विगत दिन हमारे यूपीएस समय कि डिमांड एक्सेप्ट हो तरह एनडीए सरकार आसार पर कि डिमांड एक्सेप्ट होट हमारे मूल जो टार्गेट छो जमन भाव एफसीआर एक रेट फिक्सेशन कर देव आज है तरह अनुजाई ता एक मोटामुटी हेल्दी सैलारी ता पाए ता जीवन जीविका निर्वाह करते सरकम एक सैलारी फिक्सेशन कर देवा से 15-20 जटाई होक पशापाशी एदेर परिवार जरा प्रकृत शिक्षा थेके वंचित एदेर परिवार जरा ओदेर टोटाल स्वास्थ्य व्यवस्था थेके वंचित तो तादेरके ओइटुकु सुजोग सुविधा पाइए दिए एवं तादेर जेटुकु टाका तादेर हकेर टाका सेटा तादेर अकाउंटे डायरेक्ट सेंट्रल थेके तादेर जाते अकाउंटे आसे सेई दाबी निये आमादेर आंदोलन एवं खूब ताड़ाताड़ी आमादेर जे ट्राइपार्टी मीटिंग होबे सेखाने आशा करछि आमरा, कारण विगत दिने आमरा जखन भूपेंद्र सिंह यादवेर साथे बैठक करेछिलाम उनि आमादेर लेबर मिनिस्टर बोलेछिलेन जे खूब ताड़ाताड़ी श्रम शक्ति भवने दिल्लीते रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवजी अध्यक्षतार एवं जगदम्बिका पालजी अध्यक्षतार उन्नी रेल बोर्डर चेयरमैन थेके शुरू करे ट्राफिक कमार्शियल थेके शुरू करे सबाई के डाकबें और से ही बैठके आमादेर जोन्नो एक निर्णय रूपरेखा तैरि होबे जे मिनिमाम कतटुकू सैलारी कत टाका ओदेर पर बस्ता पिछु 50 केजी बस्ता अनुजाई तादेरके फिक्सेशन करा जाए सेटा फाइनलाइज हो जाबे। আসানসোল থেকে মহেশ দেব রিপোর্ট টিভি নিউজ 10। সহজেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সুচিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান সিটিজেন হসপিটাল বিধাননগর দুর্গাপুর। হেল্পলাইন নাম্বার 9800897855। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফোন করুন 7477783932 কিংবা 9933475697 এই নম্বরে। সবার আগে খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্লিক করুন বেল নোটিফিকেশন আইকনে।